क्या इस लड़ाई में हमारा साथ देने आ रहे हैं, समाजवादियों का साथ देने आ रहे हैं। मेरे दाएं संजय चौहान बैठे हैं, चौधरी नसीम बेगम वो शामिल हो रही हैं, सलीम अख्तर साहब शामिल हो रहे हैं, वीके सैनी साहब भी शामिल हो रहे हैं, क्या इस लड़ाई में हमारा साथ देने आ रहे हैं। कमलेश पाठक जी शामिल हो रहे हैं, त्रिभुवन दत्त जी बहुत ही मजबूत नेता और अपने समाज के बीच में लगातार काम करने वाले, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जो 38 MLA जो इन्होंने तोड़े थे उनका क्या हाल हुआ और इनके पिता श्री का क्या हाल हुआ सन 2007 के चुनाव में, इनको मालूम होना चाहिए। तो इनको लंबी राजनीति यदि करनी है तो ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे राजनीतिक क्षेत्र में इनका इमेज खराब हो, क्योंकि जोर तोड़ की राजनीति कभी टिकाऊ नहीं होती है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और यूपी के सीएम अखिलेश यादव जब जब ये बात कहते हैं तो पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बेहद तेज मिर्ची लगती है। मायावती को इस बात से एलर्जी नहीं है कि अखिलेश किस पार्टी के कौन से नेता को समाजवादी झंडा थमा रहे हैं। उनके पेट में दर्द इस बात पर होता है कि पार्टी में शामिल कराते समय वो जिस चालाकी के साथ नेताओं के धर्म और जाति गिनाते हुए वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी किसी खास मजहब या जाति की नहीं है, बल्कि मुसलमानों के साथ सभी हिंदू उनके साथ हैं, जिनमें SC और ST भी हैं। बस यही बात बुआ मायावती को खल जाती है, तभी वो तमतमा कर कहने लगती है कि बबुआ अखिलेश सारे दगे हुए कारतूस बटोर कर खुश हो रहे हैं। इसलिए ये झूठी सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी पार्टी के कुछ लोगों को जो निकाले हुए हैं, पार्टी के लोग जो पार्टी विरोधी गतिविधियों से के कारण निकाले हुए हैं, BSP के रिजेक्टेड लोग हैं जिनको निकाला हुआ है, अब काम कुछ बचा नहीं है। उनको आए दिन प्रेस बुलाकर कि ये है फलाना, ये है, इसने BSP छोड़कर सपा ज्वाइन कर ली है। अखिलेश भी अपनी बुआ को चढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वो मौके की ताक में रह रहकर बुआ की कमजोर नफ्स को दबा देते हैं। 2 दिनों पहले जब बहन जी ने अखिलेश यादव को पानी पी पी कर जी भर कर कोसा था तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि अखिलेश तमतमा कर जवाब देंगे, लेकिन शायद अखिलेश बुआ के बयानों पर चुप्पी साध कर ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि नौजवानों वाले मुल्क की सियासत में वो बीते दिनों की नेता हो गई है, इसलिए रिएक्शन देकर मायावती को अपने बराबर का खत देना ही पसंद नहीं करते। उल्टे BJP को वोट देने की बात करने वाली मायावती को चिकोटी इस जवाब से काट लेते हैं कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, यानी अपनी सरकार में जिस कानून व्यवस्था का आईना वो BJP को दिखाया करती थी वो ढोंग था। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जहां उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। लेकिन बहन जी भी कहां चुप बैठने वाली, वो भी मौके की ताक में रहती हैं और समय समय पर अखिलेश की टांग खींचती रहती हैं। यदि उनके आदर्शों पर चले तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि जो ये हरकतें कर रहे हैं और खास तौर से वीकर सेक्शन के मामले में दलितों को के साथ जो का जो अपमान कर रहे हैं, जो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया था। लेकिन मानो अखिलेश भी ठान कर बैठे हैं कि साल 2022 की लड़ाई में वो मायावती को अपने अगल बगल भी फटकने नहीं देंगे, साबित करते रहेंगे कि वो जिस सरकार को वोट देने की बात कर रही हैं उसने प्रदेश के साथ कैसा सलूक किया है। उनकी कोशिश है कि साल 2022 में फाइट केवल सपा और BJP के बीच दिखे। और जब सरकार उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो आंकड़े छिपाती हो, वो मानने को तैयार ही ना हो किसी चीज के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद करोगे। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं हमने और आपने देखी हैं जिसमें सरकार ने जो सरकार की जिम्मेदारी थी निभानी चाहिए थी वो निभाई नहीं है। मायावती गुस्से में अखिलेश को भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए चिताती भी रहती हैं। वो खुलकर कहती हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव उनके साथ शरारतें कर रहे हैं उसकी भारी कीमत उन्हें अगले चुनाव में चुकानी पड़ेगी। इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है जब यहाँ MLC के चुनाव होंगे तो तब फिर BSP कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी BSP जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए BJP व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए। अखिलेश मायावती के साथ स्कोर सेटल करने के चक्कर में अपने सबसे बड़े दुश्मन BJP पर धावा बोलने का मौका भी नहीं छोड़ते, आरोप लगाते रहते हैं कि योगी की सरकार समाज के हर तबके के साथ झूठ बोल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज धान की लूट हो रही, जो भी किसान पैदावार कर रहा है उसकी लूट, आखिरकार केवल नारा बन करके रह गया। साल 2022 के सत्ता के फाइनल से पहले ही जिस तरह से अखिलेश यादव और मायावती के बीच तूतू और मैमे का सीरियल टेलीकास्ट होना शुरू हुआ है, उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि विधानसभा के चुनाव आते आते हर एपिसोड में एक नया ड्रामा देखने को मिलता रहेगा। इसमें कभी बुआ भारी पड़ती दिख सकती है तो कभी बबुआ आगे भागते नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।